हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। तो मैं हूँ खेत में और शाम का टाइम है, तो आपको पता ही है मेरे खेत में काम होते हैं। तो किसी को मैं रिप्लाई ना कर सकूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच सभी का जो हमारी वीडियो पर जुड़ते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया, सब कुछ क्या बोलूँ अब। चलिए, तो खेत में आई हूँ, तो खेत में कर रही हूँ अभी काम। और काम ऐसे है कि खीरे मैंने थोड़े से तोड़ लिए हैं और वो मैंने एक बोरी भर के रख दी है ऊपर साइड में। ये देखिए वाइट सी बोरी, तो अभी तोड़ लेती हूँ मैं बैंगन। तो खीरे, ये देखिए खीरे बच गए कुछ, अभी कुछ कल तोड़ूंगी इनको। अच्छा, और देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे से लटक रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल ककड़ी बन गई इसकी, तो कितना बड़ा खीरा हो गया। दो तीन दिन से तोड़ नहीं रखे थे ना, तो बड़े बड़े हो जाते हैं फिर उस वजह से। और यहाँ भी देखिए इस तरह से लटक चुके हैं, तो इस तरह से काफ़ी अच्छे रहते हैं अगर इस तरह से लगाए। और साथ में मैंने इसमें दो तीन दिन से लगी थी खेत में, तो मैंने इसमें जो फ्रेश बीन होती है वो लगा रखी है। और ये देखिए इसमें थोड़े से अंकुर फूटने लगे हैं छोटे से, ये भी, ये देखिए देखो। तो बारिश हो जाती है ऊपर से दूसरी फसल के लिए भी, तो ऐसा है इस तरह से। और इसकी खनाई करके साफ करके, और ये देखिए बारिश से ना इसकी मिट्टी निकल गई सारी। और ये देखिए बीज इसका, तो इसमें भी एक दो दिन में निकल जाएंगे। इसको ढक देती हूँ। और इस तरह से देखिए खीरे प्यारे प्यारे से लगे हैं। इसमें फूल भी बहुत सारे आए हैं अब, और क्योंकि इसमें कीट पतंगे बहुत ज़्यादा हैं तो फूल लगते ही रहते हैं और काफ़ी ग्रो कर रहे हैं अब। तो शुरू शुरू में नहीं दे रहे थे ये फल क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी इसी वजह से। और चलते हैं दूसरी लाइन में। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से लंबे लंबे खीरे लगे। तो ये देखिए तो इस तरह से मैंने सारे में लगा दिया। और देखो ये ना ऊपर ही आ गया बिल्कुल बीज। ये देखिए इसके निकल रहे हैं अब, इसकी कोंपले आ रही है, तो इसको कर देते हैं हम ऐसे नीचे। ताकि ये आराम से निकल जाए। ढक दिया मैंने इसको। कई बीज होते हैं ना जो थोड़े से ऊपर रह जाते हैं या ऊपर आ जाते हैं बारिश से, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिशें बहुत होती हैं, तो इस वजह से। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं खीरे, लटके हुए खीरे। तो होप करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगती होगी। और ये देखिए यहाँ पर तो कमा लिए, तो देखा कितने सारे लगे हैं इसमें, कुछ तो दिखाई भी नहीं दे रहे। ये देखिए